वेलकम बैक बच्चों, आज हम करने वाले हैं शेड्यूल 2। जी हाँ, शेड्यूल 1 और 3 हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट शेड्यूल 2। शेड्यूल 2 में हम देखेंगे कि कोई भी एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शन्स जो हैं उनको सप्लाई ऑफ गुड्स कब बोला जाएगा और सप्लाई ऑफ सर्विसेज कब बोला जाएगा। ठीक है जी, कोई भी ट्रांजेक्शन आप लोगों के पास हुई तो आपको ये क्लासीफाई करना जरूरी है दैट आइदर इट इज़ अ सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस। क्यों? क्योंकि देखिए, जब आपको पता होगा कि स्पेसिफिकली ये गुड्स है या सर्विसेज है, उसी बेस पे ही आप लोग उसका जो रेट है वो डिसाइड करेंगे, जो वैल्यू है वो डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो फर्दर आगे की चीज़ें आप तभी डिसाइड कर पाओगे जब आपको ये पता होगा कि आपने सप्लाई ऑफ गुड्स किया है या सप्लाई ऑफ सर्विसेज किया है। बात समझ में आई? अब वो सप्लाई ऑफ गुड्स हुआ या सप्लाई ऑफ सर्विसेज हुआ, इन दोनों में से कौन सी एक्टिविटी हुई ये आपको कौन बताएगा? ये हमें बताएगा शेड्यूल 2। ठीक है, आ जाएंगे शेड्यूल 2 पे। सबसे पहला पैरा आपको कौन सा दिया हुआ है? फर्स्ट पैरा ऑफ शेड्यूल 2 इज ट्रांसफर। देखिए, कोई भी चीज़ अगर ट्रांसफ़र होती है, फर्स्ट वन आपने किसी भी गुड्स का टाइटल ट्रांसफ़र किया, आपने किसी भी गुड्स का टाइटल ट्रांसफ़र कर दिया तो वो हमारे पास क्या माना जाएगा? सप्लाई ऑफ गुड्स। जैसे कि रेडीमेड गारमेंट्स हैं, एक पर्सन है उसने रेडीमेड गारमेंट्स ट्रांसफ़र कर दिए कस्टमर को, वो क्या है? सप्लाई ऑफ गुड्स। आप किसी भी रिटेलर होलसेलर के पास जाते हैं, उन्होंने अपनी प्रोडक्ट का टाइटल आपको ट्रांसफ़र कर दिया। आप बुक सेलर के पास गए, बुक सेलर ने बुक्स का टाइटल आपको ट्रांसफ़र कर दिया, वो क्या कहलाएगा? सप्लाई ऑफ गुड्स कहलाएगा। क्लियर है एवरीवन? मतलब नॉर्मली बुक्स आपके पास ट्रांसफर होगी, उसका टाइटल आपके पास ट्रांसफ़र हो गया तो उसे हम सप्लाई ऑफ गुड्स बोलेंगे। ये नॉर्मल हमारे पास एग्जाम्पल है। नेक्स्ट वन देखेंगे, आपके पास राइट शेयर हुआ गुड्स का। गुड्स का क्या शेयर हुआ? राइट्स या अनडिवाइडेड शेयर जो है गुड्स का वो आपको ट्रांसफर किया गया है। मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, आपके पास कंप्लीट गुड्स ट्रांसफर नहीं हुई, गुड्स को यूज करने का सिर्फ राइट आपको दिया गया है, वो आपके पास क्या माना जाएगा? सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा। जैसे कि 3 रूममेट्स हैं, एक ही रूम के अंदर रूम शेयर कर रहे हैं और चौथा पर्सन जो आया उन्होंने एसी परचेज किया। फॉर एग्जांपल एसी परचेज किया उन्होंने 40,000 का, एसी परचेज किया 40,000 का। अब जो चौथा पर्सन आया, चौथे पर्सन को उन्होंने बोला कि ठीक है, अभी अभी हमने एक एसी लिया, आप एक काम करो अपना हिस्सा भी उसमें डाल दो, अपना हिस्सा भी उसमें डाल दो, तो आप अपना 10,000 उसमें दे दो और इसको आप यूज़ करते रहे। अपना 10,000 इसको दे दीजिए और आप इसको क्या करते रहे? यूज़ करते रहे। उसको सिर्फ यूज़ का राइट उन्होंने ट्रांसफ़र दिया, घर ले जाने का राइट नहीं दिया, उस प्रोडक्ट का टाइटल ट्रांसफ़र नहीं किया, सिर्फ यूज़ का एक राइट दिया है। तो इसे हम क्या करेंगे? ट्रांसफ़र ऑफ राइट। इसे हम क्या बोलेंगे? ट्रांसफर ऑफ राइट। या कोई ऐसा शेयर जो अनडिवाइडेड है, ये शेयर जो है ये ऐसा नहीं है कि बांट के एसी के टुकड़े करके घर ले जाएंगे, नहीं, इन्होंने सिर्फ यूज करने का राइट इसको दिया है। जैसे कि जीनस इक्विपमेंट लिमिटेड है, उसने मशीनरी दी है रेंट पे, किसको? सुहासी मैन्युफैक्चरर्स को, उसने सिर्फ उसको यूज करने का राइट दिया है। क्लियर? जैसे कोई भी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, एक और एग्जाम्पल मैं देती हूँ, कोई भी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, कंस्ट्रक्शन कंपनी के पास अपने जो है अपना कोई क्रेन उसको रिक्वायर्ड थी, क्रेन उसने रेंट पे ले ली, क्रेन उसको रिक्वायर्ड थी तो क्रेन उसने किस पे ले ली? रेंट पे ले ली। तो ये जो रेंट पे लिया उसको राइट मिला है उसको यूज़ करने का। ठीक है, कंस्ट्रक्शन कंपनी को क्या मिला है? राइट मिला है उसको यूज़ करने का। ये जो राइट है इसे हम क्या बोलेंगे? सप्लाई ऑफ सर्विसेज। राइट को हम क्या बोलेंगे? सप्लाई ऑफ सर्विसेज। क्लियर हो गया सभी को? ठीक है, आगे देखेंगे ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स। टाइटल इन गुड्स जो है वो ट्रांसफर हो रहा है यहाँ पे अंडर एन एग्रीमेंट। सबसे बड़ी बात क्या है? एग्रीमेंट के अंदर ट्रांसफर हो रहा है। अंडर एन एग्रीमेंट विच स्टिपुलेट्स दैट अ प्रॉपर्टी इन गुड्स शेल पास एट अ फ्यूचर डेट। जो प्रॉपर्टी है गुड्स में वो कब पास होगी? फ्यूचर डेट पे पास होगी अपॉन फुल पेमेंट ऑफ कंसीडरेशन, अपॉन फुल पेमेंट ऑफ कंसीडरेशन। देखिए क्या हो रहा है? गुड्स का टाइटल अभी ट्रांसफर कर दिया, गुड्स का टाइटल अभी ट्रांसफर कर दिया, एक एग्रीमेंट के बेस पे ट्रांसफर कर दिया, एक एग्रीमेंट के बेस पे ट्रांसफर कर दिया। लेकिन वो कह रहे हैं जब आप पूरा कंसीडरेशन दे देंगे तो इन फ्यूचर पूरी गुड्स भी आपके पास ट्रांसफर कर दी जाएंगी। ठीक है, जैसे कि इसमें आपने पहले पढ़ा हुआ है, हायर परचेज की मैं बात करूं, हायर परचेज आप लोग पीछे पढ़ करके आए हैं। कोई भी एक मशीन है, मशीन हमने ट्रांसफर कर दी, उसका टाइटल ट्रांसफर कर दिया सामने वाले पर्सन को, और पैसे किस में जा रहे हैं, इंस्टॉलमेंट में। फॉर एग्जाम्पल उसको बोला कि 5 इंस्टॉलमेंट के अंदर आपको पैसा देना है। कितने इंस्टॉलमेंट में? 5 इंस्टॉलमेंट में। तो कंप्लीटली जो ऑनरशिप है गुड्स की, जो ऑनरशिप है या वी कैन से प्रॉपर्टी राइट्स है, प्रॉपर्टी राइट्स उसके कब ट्रांसफर होंगे? गुड्स की पूरी पेमेंट होने के बाद। ध्यान से मेरी बात सुनो, मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल को डिटेल में लेकर के बताती हूँ ताकि अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो जाए। ए एक पर्सन है, इसे 1 लाख की मशीनरी चाहिए थी, 1 लाख की एक मशीन इसे रिक्वायर्ड थी, और मशीन इसने किससे परचेज करनी थी? बी से। बट इसके पास पूरे पैसे नहीं थे, बी ने कहा डोंट वरी, मैं आपको ये मशीन दे दूंगा, किस पे? इंस्टॉलमेंट्स पे दे दूंगा। मैं क्या दे दूंगा? इंस्टॉलमेंट्स पे आपको ये गुड्स दे दूंगा। लेकिन इंस्टॉलमेंट्स पे अगर मैं गुड्स दूंगा तो ये गुड्स आपको कितने की पड़ेगी? 1,20,000 की। आप मुझे 10 किश्तें दे दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और हर किश्त कितने की रहेगी? हर इंस्टॉलमेंट 12,000 की। कितने की रहेगी? 12,000 की। समझ में आ गई मेरी बात? अब इस तरीके से इसने गुड्स जो है, गुड्स किसको ट्रांसफर कर दी? गुड्स ट्रांसफर कर दी ए को। इसे हम क्या बोलेंगे? हायर परचेज बोलेंगे। हम इंस्टॉलमेंट में सामने वाले को पैसा दे रहे हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ? गुड्स का राइट ट्रांसफर हो गया। गुड्स का राइट क्या हो गया? ट्रांसफर हो गया। लेकिन लीगल ऑनरशिप कब ट्रांसफर होगी? लीगल ऑनरशिप जब ये 10th इंस्टॉलमेंट आप लोग दे देंगे, जब ये 10th इंस्टॉलमेंट आप लोग पे कर देंगे, उसके बाद आपकी ऑनरशिप भी यहाँ पे क्या हो जाएगी? ट्रांसफर हो जाएगी। क्लियर है एवरीवन? तो यहाँ पे सिर्फ राइट ही ट्रांसफर नहीं हुआ गुड्स का, यहाँ पे ऑनरशिप भी ट्रांसफर होगी, यानी कि गुड्स का जो टाइटल है, टाइटल भी आप लोग ट्रांसफर कर देंगे। इन दोनों के बीच में क्या होगा? इस चीज को लेकर के एक एग्रीमेंट बनेगा। क्या बनेगा? एक एग्रीमेंट बनेगा। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे सप्लाई ऑफ गुड्स। नेक्स्ट देखिए, अगर आपने किसी भी पर्सन को गुड्स बेच दी सेल और रिटर्न बेसिस पे, जैसे कि कोई भी एक पर्सन है ए ने बी को गुड सेल की कि ठीक है आप ये गुड्स ले जाओ, लेकिन बी जो है, बी थोड़ा असमंजस में था, 10,000 की गुड्स थी, बी थोड़ा असमंजस में था कि मुझे गुड्स परचेज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या ऐसा नया स्टॉक मेरी शॉप पे चलेगा या नहीं चलेगा। तो ए ने बोला डोंट वरी, डोंट वरी, आप ये बुक्स ले जाओ, आप ये गुड्स ले जाओ, अगर आपके पास चल जाए तो ठीक है, अदरवाइज मुझे वापस कर देना। अदरवाइज, अरे समझ में आ रही है? ये गुड्स जो हैं अगर आपको पसंद आई तो ठीक है, अदरवाइज आप वापस कर दीजिएगा। इसे हम क्या बोलेंगे? सेल और रिटर्न बेसिस। ठीक है, सामने वाला जो है वो उसको रख भी सकता है और रिटर्न भी कर सकता है, उसको एक ऑप्शन दे दिया गया। इसे भी हम क्या बोलेंगे? सप्लाई ऑफ गुड्स। फिर से बात सुनेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या देखा कि आपने जो गुड्स है, गुड्स का टाइटल ही ट्रांसफर कर दिया, दैट मीन्स सप्लाई ऑफ गुड्स। अगर आपने सिर्फ राइट ट्रांसफर किए, दैट मीन्स सप्लाई ऑफ सर्विसेज। अगर आपने टाइटल ट्रांसफर किया बट बेस्ड ऑन हायर परचेज, बेसिस किया है तो ट्रांसफर ऑफ गुड्स, सेल और रिटर्न बेसिस पे ट्रांसफर किया है तो सप्लाई ऑफ गुड्स। क्लियर? नेक्स्ट हम आ जाएंगे शेड्यूल 2 पैरा 2 क्या कहता है कि आप देखिए, मैंने इसके बारे में सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग के बारे में पहले भी आपको बताया था। ठीक है, सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग के बारे में पहले भी हमने डिस्कशन की थी। क्या डिस्कशन की थी? कि अगर एंटायर कंसीडरेशन आप बाद में ट्रांसफर कर रहे हैं तो वो हमारे पास टैक्सेबल नहीं होता था। जैसे कोई भी एक पर्सन है ए ने बी को बिल्डिंग सेल की, अब जो एंटायर कंसीडरेशन बी ने पे किया, वो कब पे किया? या तो कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बाद, या फिर फर्स्ट ऑक्यूपेंसी, विच एवर इज अर्लियर, उसके बाद इसने कंसीडरेशन ए को पे किया। तो इसे हम इसको हम टैक्सेबल नहीं करते थे, इसके ऊपर टैक्स नहीं लगता था, इसे सप्लाई नहीं माना जाता था। क्लियर। लेकिन ₹1 भी आपने एडवांस दे दिया, ₹1 भी आपने एडवांस दे दिया लैंड एंड बिल्डिंग के केस में, तो उसे हम क्या मान लेते थे, उसे हम मान लेते थे सप्लाई और उसके ऊपर टैक्स लगता था। यहां तक बात समझ में आई। देखिए मैं आपको थोड़ा सा डायग्रामेटिकली इस चीज़ को फिर से समझा दूं अगर याद नहीं है तो, वैसे पिछले लेक्चर्स में मैं ये चीज़ बता चुकी हूँ। लैंड एंड बिल्डिंग ट्रांसफर की बात हो रही है, दो तरीके हो सकते हैं, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग, यहां लिखेंगे कंसीडरेशन, कंसीडरेशन रिसीव्ड, कंसीडरेशन रिसीव्ड कब रिसीव हुआ, आफ्टर कंप्लीशन सर्टिफिकेट और फर्स्ट ऑक्यूपेंसी, फर्स्ट ऑक्यूपेंसी, whichever is earlier, whichever is earlier। अगर ₹1 भी एडवांस आया, ठीक है, इसको हम क्या लिख देते हैं, अदरवाइज। अदरवाइज यहां एक वर्ड और ऐड कर दीजिएगा आप लोग, होल कंसीडरेशन। यहां हम क्या ऐड कर देंगे, ये सिलेक्ट नहीं हो रहा, एक सेकेंड। इसे हम क्या लिख देंगे, होल कंसीडरेशन, कि पूरा का पूरा कंसीडरेशन आपके पास बाद में आया, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, इसको सप्लाई ट्रीट नहीं करेंगे और इसको क्या मानेंगे, इसको सप्लाई मानेंगे। इवन अगर ₹1 भी एडवांस में ले लिया आपने, ₹1 भी एडवांस में ले लिया तो इसको हम क्या मानेंगे, सप्लाई ट्रीट कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या बता रहा है शेड्यूल 2 में। शेड्यूल 2 में ये कह रहा है कि अगर लीज पे, यहाँ पे सेल ऑफ बिल्डिंग की बात नहीं हो रही है, सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग की, यहाँ पे सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है लीज की, कि लीज, टेनेंसी, ईजमेंट, लाइसेंस टू ऑक्यूपाई द लैंड, अगर इनमें से कोई भी एक्टिविटी होती है तो, चाहे आपने लीज पे दी, चाहे टेनेंसी पे दी, ईजमेंट, लाइसेंस टू ऑक्यूपाई द लैंड, इसमें से कोई भी एक्टिविटी हुई हो, किसी भी फॉर्म में आपने सामने वाले को लैंड दी, इसे हम क्या मानेंगे, सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानेंगे, ठीक है। तो इसमें नॉर्मली आपको कह रहा है कि लीज और लेटिंग आउट ऑफ बिल्डिंग इंक्लूडिंग कॉमर्शियल, चाहे वो कॉमर्शियल बिल्डिंग हो, इंडस्ट्रियल हो, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स हो, बिजनेस के लिए यूज हो या फिर कॉमर्शियल पर्पस के लिए यूज हो, उसे आप क्या मानेंगे, सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानेंगे। ध्यान से सुनिए, एक वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, व्हाट, कॉमर्शियल पर्पसेज के लिए। अगर ये कॉमर्शियल पर्पसेज के लिए है या रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है जिसको बिजनेस के लिए यूज हो रहे हैं, तब भी आपके पास जीएसटी आएगा, तब भी उसे सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानोगे, अदरवाइज नहीं। जो रेजिडेंस के लिए यूज हो रहा है उसको सप्लाई ऑफ सर्विसेज नहीं मानना, वो सप्लाई की डेफिनेशन में नहीं आता। रेजिडेंस के लिए अगर कोई भी लीज हुआ है, टेनेंसी हुई है, तो उसको सप्लाई नहीं मानना, ठीक है। अब यहाँ पे बोलोगे आप, मैम कि रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स वर्ड आ तो रहा है, ठीक है, आप बोलोगे कि मैम ये रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स वर्ड आ रहा है, बट ये रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स क्या लिखा हुआ है, यूज्ड फॉर बिजनेस और कॉमर्शियल पर्पस। रेजिडेंशियल अकोमोडेशन को आपने तब इंक्लूड करना है जब वो बिजनेस के लिए या कॉमर्शियल एक्टिविटीज के लिए यूज हुआ हो, ठीक है। अगर ये जो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है ये बिजनेस एक्टिविटीज के लिए यूज नहीं हुआ तो आप उसे यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है जी। तो कोई भी लीज, लेटिंग, कॉमर्शियल एक्टिविटीज हुई हो, बिल्डिंग लेटिंग आउट से रिलेटेड, उसे हम क्या मानेंगे, सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानेंगे, ठीक है जी। आगे आ जाते हैं ट्रीटमेंट और प्रोसेस पे। ट्रीटमेंट और प्रोसेस पे कोई भी गुड्स ट्रांसफर की गई, कोई भी गुड्स ट्रांसफर की गई कुछ ट्रीटमेंट करवाने के लिए, कुछ ट्रीटमेंट करवाने के लिए या कोई प्रोसेस करवाने के लिए, तो उसे हम क्या बोलेंगे, सप्लाई ऑफ सर्विसेज। जैसे कि कोई भी एक लेडीज है, कोई भी एक लेडीज है, वो अपना सूट लेकर के गई, सूट लेकर के गई किस लिए, स्टिच करवाने के लिए, किसके लिए, स्टिच करवाने के लिए टेलर के पास, तो वो क्या है, वो हमारे पास है प्रोसेसिंग करवाने के लिए, कुछ ट्रीटमेंट करवाने के लिए लेकर के गए। अपनी बाइक आप लोग लेकर के गए, रिपेयरिंग करवाने के लिए, तो कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट करवाने के लिए लेकर के जा रहे हो ना। अब दमानी डाइंग हाउस है, वो डाई करके देता है क्लोथ्स गिवन बाय शुभम टेक्सटाइल। तो ये एक तरीके का जॉब वर्क है, काम के बेसिस पे आप किसी भी प्रोडक्ट को ट्रीटमेंट या प्रोसेसिंग के लिए सेंड कर रहे हो, वो क्या माना जाएगा, वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट। व्हाट इज ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट? बिजनेस एसेट का ट्रांसफर क्या है? ट्रांसफर मतलब कि कोई भी गुड्स, ठीक है, जो बिजनेस एसेट कहलाती हैं, जो भी गुड्स बिजनेस एसेट कहलाती है। बिजनेस एसेट में देखिए फिक्स एसेट भी आ जाती हैं और करंट एसेट भी। एक होता है फिक्स एसेट, एक होता है करंट एसेट। बिजनेस एसेट मतलब ये दोनों, करंट भी और फिक्स्ड एसेट्स भी। अगर उनको हम ट्रांसफर करते हैं या डिस्पोज ऑफ करते हैं, यहाँ पे ध्यान से सुनो, ये नहीं कह रहा कि आपने करंट एसेट ट्रांसफर की, ये नहीं कह रहा कि आपने फिक्स्ड एसेट ट्रांसफर की, ये कह रहा बिजनेस एसेट अगर ट्रांसफर हो। मेरी बात ध्यान से सुनो, पैरा 4 कह रहा है कि क्या चीज ट्रांसफर होनी चाहिए, ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट। बिजनेस एसेट मतलब कि वी आर टॉकिंग अबाउट करंट एसेट एज वेल एज फिक्स एसेट। हम यहाँ पे करंट एसेट और फिक्स एसेट दोनों के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अंडर डायरेक्शन ऑफ अ पर्सन कैरिंग ऑन द बिजनेस सो एज नो लॉन्गर फॉर्म पार्ट ऑफ द टोटल एसेट्स। यानी हमने कोई भी जो एसेट्स है, एसेट्स अगर बिजनेस की ट्रांसफर कर दी, जो कल को बिजनेस का पार्ट नहीं रहेंगी, उसे हम क्या बोलेंगे, सप्लाई ऑफ गुड्स बोलेंगे। ठीक है, जैसे कोई भी एक पर्सन है मैन्युफैक्चर कर रहा है, सेलिंग वुडन फर्नीचर, टेक वन मैन्युफैक्चर चेयर बाय हिम फॉर यूज एट हिज हाउस। अगर अपने घर के लिए वो लेकर के चला गया, अगर अपने घर के लिए लेकर के चला गया, कोई भी पर्सन उस अपनी जो गुड्स बना रहा है वो उसको अपने घर के लिए लेकर के जा रहा है, उसके लिए यूज कर रहा है, पर्सनल पर्पसेस के लिए, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम सप्लाई ऑफ सर्विसेज बोलेंगे। ठीक है जी, गुड्स हेल्ड फॉर बिजनेस आर पुट टू यूज इन प्राइवेट यूज। अगर आप प्राइवेट यूज के लिए लेकर के जा रहे हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, सप्लाई ऑफ सर्विसेज बोलेंगे। क्लियर है एवरीवन? अगर नॉर्मली आपने गुड्स अपनी ट्रांसफर कर दी तो उसे हम क्या बोलेंगे, सप्लाई ऑफ गुड्स। बट अगर पर्सनल यूज के लिए कर दी, किसके लिए कर दी, पर्सनल यूज के लिए कर दी, तो उसे हम क्या बोलेंगे, सप्लाई ऑफ सर्विसेज बोलेंगे। ठीक है जी, आगे आ जाइए। कोई भी गुड्स है जो हमारे बिजनेस एसेट का पार्ट है और एक पर्सन ने ट्रांसफर कर दी, पर्सन हु सीजेस टू बी अ टैक्सेबल पर्सन, वो पर्सन अब टैक्सेबल पर्सन नहीं है, शैल बी डीम्ड टू बी सप्लाई बाय हिम इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ हिज बिजनेस। आपके बिजनेस में कोई भी गुड्स जो है वो यूज हो रही थी, लेकिन बाद में क्या हुआ, आप टैक्सेबल पर्सन नहीं रहे, बाद में क्या हुआ, आप टैक्सेबल पर्सन नहीं रहे, या तो आपने अपना जीएसटी सरेंडर कर दिया या आपने एग्जम्प्ट गुड्स बेचना शुरू कर दिया। देखिए, सीजेस टू बी अ टैक्सेबल पर्सन का मतलब क्या है कि अब आप टैक्सेबल नहीं रहे। पहले आप बिजनेस चला रहे थे, बिजनेस में आप गुड्स को यूज कर रहे थे। ठीक है, ध्यान से बात सुनो, आप अपना बिजनेस चला रहे थे और बिजनेस के अंदर क्या यूज कर रहे थे, गुड्स यूज कर रहे थे। अब वो जो बिजनेस है, बिजनेस के अंदर आप टैक्सेबल पर्सन थे पहले, लेकिन अब आप टैक्सेबल पर्सन नहीं रहे। यू आर सीजेज टू बी अ टैक्सेबल पर्सन, यानी इसके दो कारण हो सकते हैं। फर्स्ट वन कारण क्या होगा कि आपने जीएसटी सरेंडर कर दिया, आपने जीएसटी सरेंडर कर दिया, या फिर आपने जीरो रेटेड गुड्स या एग्जम्प्ट गुड्स बेचना शुरू कर दिया, आपने टैक्सेबल गुड्स से एग्जम्प्ट गुड्स बेचना स्टार्ट कर दिया और आपने क्या किया, वो सप्लाई कर दी। गुड्स इज सप्लाइड बाय हिम इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस इमीडिएटली बिफोर ही सीजेस टू बी अ टैक्सेबल पर्सन। यानी जब आप टैक्सेबिलिटी से बाहर आने वाले थे, उससे पहले आपने उन गुड्स को ट्रांसफर कर दिया, तो क्या आप उसे सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे या सप्लाई ऑफ सर्विसेज? हम इसे मानेंगे सप्लाई ऑफ गुड्स। ठीक है, आपने टैक्सेबिलिटी, जो आपकी सीजेस टू बी एज टैक्सेबल पर्सन है, आपने अपने आप को टैक्सेबल पर्सन से बाहर निकलने से पहले आपने उन गुड्स को सोल्ड आउट कर दिया, तो आप उसे क्या मानेंगे, सप्लाई ऑफ गुड्स ही ट्रीट करेंगे। जैसे कि अरुण एक ट्रेडर है, वो वाइंड अप कर रहा है अपना बिजनेस, यानी टैक्सेबिलिटी उसकी खत्म हो जाएगी ना। जैसे ही बिजनेस वाइंड अप कर देगा, जीएसटी रजिस्ट्रेशन सरेंडर कर देगा, वो टैक्सेबल पर्सन नहीं रहेगा, तो वो अपनी बिजनेस को क्या है, वाइंड अप कर रहा है। वाइंड अप करते टाइम क्या किया, कोई भी गुड्स जो थी, गुड्स की चोरी हो गई। ठीक है, गुड्स की चोरी होगी। अब चोरी होगी तो भी ध्यान रखिएगा, सरकार को कोई मतलब नहीं है, जीएसटी डिपार्टमेंट को कोई मतलब नहीं है। गुड्स की चोरी भी हो जाती है, अच्छा वो थेफ्ट नहीं है सॉरी लेफ्ट है। अगर गुड्स कुछ बच जाती हैं हमारे पास, अगर कोई गुड्स हमारे पास बच जाती हैं तो उसे हम डीम्ड टू बी सप्लाइड मानेंगे। अब आप बोलोगे मैम इससे डीम्ड टू बी सप्लाइड क्यों मानेंगे? ध्यान से मेरी बात सुनिए, देखिए आप बिजनेस छोड़ करके जा रहे हो, आपने स्टार्टिंग में जब आप बिजनेस कर रहे थे फॉर एग्जांपल आपके पास 1 लाख ड्यूरिंग द ईयर आपने स्टॉक खरीदा, स्टॉक खरीदने के बाद आपने क्या किया 80,000 का स्टॉक सेल कर दिया, 80,000 का स्टॉक सेल कर दिया। अब यहाँ 1 लाख के स्टॉक के ऊपर आपने 18,000 का ATC क्लेम किया होगा, मैं यहाँ पे 18% रेट लेकर के चल रही हूँ, आपने 1 लाख के स्टॉक के ऊपर 18,000 का ATC क्लेम किया होगा। अब यहाँ पे बचा हुआ स्टॉक कितना है, 20,000 का स्टॉक आपके पास बचा हुआ है, इस 20,000 के ऊपर आपके पास कितना 3,600 का ATC आपने क्लेम किया होगा, 3,600 का ATC आपने क्लेम किया होगा। अब ये 3,600 का जो ATC है ये तो आप क्लेम कर गए, लेकिन लास्ट में आप क्या कह रहे हो जब आप बिजनेस बंद कर रहे हो, बिजनेस बंद करने के टाइम पे आप कह रहे हो कि ये स्टॉक तो भैया मेरे पास ही पड़ा हुआ है, मैंने सेल तो किया ही नहीं, ये स्टॉक मेरे पास पड़ा हुआ है, इसे मैंने सेल तो किया ही नहीं, तो मैं इसके ऊपर GST नहीं दूंगा, मैं इसके ऊपर GST नहीं दूंगा। तो सरकार क्या कहती है, गवर्नमेंट ये कहती है बेटा रुको, गवर्नमेंट ये कहती है बेटा रुको, आपने इस स्टॉक के ऊपर 3,600 का ITC ले लिया था मुझसे, आपने स्टॉक के ऊपर 3,600 का ITC मुझसे ले लिया, तो अब आप इसे सप्लाई मानो, अब आप इसे सप्लाई मानो, ये डीम टू बी सप्लाई माना जाएगा। तो आपके पास यहाँ पे वैसे 2 ऑप्शन आते हैं, आइदर या तो आप एक काम करो उसका ITC रिवर्स कर दो, जो ये इसका ITC था 3,600 इसे रिवर्स कर दो, या फिर आप इसे सप्लाई मान करके इसके ऊपर GST पे कर दो, इसे GST पे कर दो। वैसे बेटर ऑप्शन अकॉर्डिंग टू मी जो हमारे पास रहता है वो रिवर्स करने का रहता है। अब आप पूछोगे कि क्यों मैम, रिवर्स आप करोगे तो रिवर्स कितने का करोगे, सिर्फ और सिर्फ 3,600 का। लेकिन अगर मैं बात करूं सप्लाई करोगे तो सप्लाई के अंदर इसका प्रॉफिट एडिशन भी कुछ ना कुछ दिखाना पड़ेगा आपको, सप्लाई करोगे तो सप्लाई करने का आपको बेनिफिट नहीं होता, इससे अच्छा होता है कि आप अपने ITC को रिवर्स कर दो। वैसे हम शेड्यूल 2 की यहाँ पे बात कर रहे हैं, शेड्यूल 2 के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इसे सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा, इसे सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। ठीक है, फिर से मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर आप अपने बिजनेस को वाइंड अप करते हो, चलते हुए बिजनेस को छोड़ देते हो, तो जो भी लास्ट में गुड्स बचेंगी वाइंड अप के टाइम पे उसको हम क्या मानेंगे, उसको सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे। ठीक है, डीम्ड टू बी सप्लाइड बाय हिम, क्लियर। बट देर आर सम एक्सेप्शंस, इसके लिए कुछ एक एक्सेप्शंस यहाँ पे दी गई है। फर्स्ट वन, अगर आपने एज ए गोइंग कंसर्न किसी को बिजनेस बेच दिया, अपना चलता हुआ बिजनेस आपने किसी अदर पर्सन को दे दिया, आगे आपका अदर पर्सन जो है वो इस बिजनेस को कैरी आउट करेगा, तो इसको सप्लाई नहीं मानेंगे, तो इसको सप्लाई नहीं मानेंगे। या फिर कोई आपका पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव है, जैसे कोई भी एक पर्सन है, किसी पर्सन की डेथ हो गई, कोई भी एक पर्सन है, उस पर्सन की क्या हो गई, डेथ हो गई, बाद में उसका जो लीगल हायर है, जो सन है, वो उस GST को चलाएगा, वो आपके बिजनेस को चलाएगा, फर्म को, वो आपकी GST वाली फर्म को रन करेगा, चलाएगा। तो एज अ लीगल हायर वो आपकी फर्म को चला रहा है, तो क्या होगा, आपका जो स्टॉक पड़ा हुआ है उस स्टॉक को हम सप्लाई नहीं मानेंगे, उस स्टॉक को हम सप्लाई नहीं मानेंगे। एज इट इज़ क्या होता है इस केस में, जो आपका ITC है वो लीगल हायर के GST नंबर पर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, स्टॉक उस पर ट्रांसफ़र हो जाता है। क्लियर, प्रैक्टिकली आप अपने CA के पास ये चीज़ें देखेंगे और सीखेंगे। नेक्स्ट हम आगे मूव ऑन करेंगे, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी किस पे दे दी, रेंट पे दे दी, कोई भी कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स है वो आपने रेंट पे दे दिया, या रिलीजियस प्लेस है, रिलीजियस प्लेस पे कोई पर्सिंग्स है वो आपने रेंट पे दे दिया, प्रॉपर्टी दी आपने किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को, या कोई अदर इमूवेबल प्रॉपर्टी, वेंडिंग और डिस्पेंसिंग ऑफ मशीन्स के लिए दे दी, इसे हम क्या मानेंगे, सप्लाई ऑफ सर्विसेज। इसमें कुछ ज्यादा बताने वाली बात नहीं है, क्लियर। नाउ कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स की यहाँ बात कर रही है, किसकी बात हो रही है, कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स की। कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग सिविल स्ट्रक्चर, ठीक है, इंटेंडेड फॉर सेल टू अ बायर आइदर होली और पार्टली। आपने क्या किया, आपने कोई भी कंस्ट्रक्शन की, कॉम्प्लेक्स की, बिल्डिंग की, सिविल स्ट्रक्चर की और एनी पार्ट देयर ऑफ, मतलब पूरा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाया, कॉम्प्लेक्स का एक पर्टिकुलर पार्ट बनाया, ठीक है। कॉम्प्लेक्स ऑलरेडी बना हुआ है लेकिन आपने वहाँ पे कुछ एक पार्ट उसका बनाया और उसमें कोई अदर स्ट्रक्चर जो देना था वो दिया, व्हाटएवर जो भी है। आप किसी भी बिल्डिंग का कोई पार्ट बना रहे हो, पूरी बिल्डिंग बना रहे हो जो कि क्या है, इंटेंडेड फॉर सेल है, जिसको कल को सेल करना है बायर को, चाहे पूरा चाहे पार्टली। उसको आप क्या मानेंगे, सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानेंगे। उसे क्या मानेंगे, सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानेंगे। ध्यान से सुन लो मेरी बात, कंस्ट्रक्ट किया चाहे कॉम्प्लेक्स, बिल्डिंग या सिविल स्ट्रक्चर, उसे सप्लाई ऑफ सर्विसेज मान लो। बट यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन है, यहाँ पे एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है, अगर एंटायर कंसिडरेशन इशुएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बाद आया, अगर एंटायर कंसिडरेशन इशुएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बाद में आया, आफ्टर और फर्स्ट ऑक्यूपेंसी विच एवर इज अर्लियर, और आफ्टर इट्स फर्स्ट ऑक्यूपेशन विच एवर इज अर्लियर, तो वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज नहीं माना जाएगा। मैंने अभी ऊपर आपको चार्ट बना करके दिया था इस चीज का, ठीक है, अभी हमने ऊपर इस चीज का चार्ट बनाया था। अगर कंसिडरेशन सारा बाद में आया है तो इसे आप सप्लाई नहीं मानेंगे, बट इस केस में ये क्या आएगा, सप्लाई ऑफ सर्विसेज आएगा, सप्लाई ऑफ सर्विसेज आ जाएगा। क्लियर हुई मेरी बात, समझ में आ गया आप लोगों को? आगे चलेंगे। राठी बिल्डर्स है, उसने कंस्ट्रक्ट की इंडिविजुअल रेजिडेंशियल यूनिट, किस कंसिडरेशन पे, एग्रीड कंसिडरेशन था 1.2 करोड़, 90 लाख वर रिसीव्ड बिफोर। मैंने कहा था 1 रुपया भी पहले नहीं आना चाहिए, 1 रुपया भी पहले नहीं आना चाहिए। यहाँ पे कितना पहले आ गया, यहाँ पे आ गया 90 लाख रुपए एडवांस आ गया, 90 लाख इशूड बिफोर कंप्लीशन ऑफ सर्टिफिकेट, बिफोर कंप्लीशन ऑफ सर्टिफिकेट से पहले पैसा आ गया। तो यहाँ पे आप क्या मानोगे, इसको सप्लाई ट्रीट कर लोगे। क्लियर? यहाँ पे आ गया हमारे पास, क्या कह रहा है कि कंस्ट्रक्शन के अंदर क्या क्या आएगा, एडिशंस, अल्टरेशन, रिप्लेसमेंट, रीमॉडलिंग और एनी अदर सिविल स्ट्रक्चर जो है वो इसके अंदर आ जाएगा। कंपिटेंट अथॉरिटी का यहाँ मतलब क्या है, गवर्नमेंट और एनी अदर अथॉरिटी ऑथोराइज टू इशू कंप्लीशन सर्टिफिकेट, कोई भी अथॉरिटी जो कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू कर सकती है। क्लियर? जैसे कि कोई भी आर्किटेक्ट हो गया जो कि आर्किटेक्ट एक्ट 1972 में रजिस्टर्ड है, चार्टर्ड इंजीनियर हो गया, कोई भी लाइसेंस्ड सर्वेयर हो गया, ये सब लोग इसके अंदर इंक्लूड कर दिए जाएंगे। क्लियर एवरीवन? नाउ टेम्परेरी ट्रांसफर हो रहा है, अगर टेम्परेरी ट्रांसफर हो रहा है और परमिटिंग यूज और इंजॉयमेंट ऑफ एनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, आपने कोई भी ट्रांसफर किया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, तो वो भी आपके पास क्या माना जाएगा, यानी प्रॉपर्टी के अंदर जो राइट्स हैं, उसको यूज करने के जो राइट्स हैं वो आपने ट्रांसफर कर दिए। कोई पेटेंट है, पेटेंट का यूज आपने ट्रांसफर कर दिया, कोई भी टेम्परेरी ट्रांसफर कर दिया अपने पेटेंट्स को, उसे भी क्या मानोगे, सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानोगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास बात हो रही है आईटी सॉफ्टवेयर की। आईटी सॉफ्टवेयर की यहाँ हम बात कर रहे हैं। आईटी सॉफ्टवेयर में ना आपने एक चीज बड़े ध्यान से समझनी है। देखिए, आईटी सॉफ्टवेयर को हम दो तरीके से बेच सकते हैं। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट आईटी सॉफ्टवेयर, फर्स्ट वन तो देखिए आपके पास कुछ एक प्री पैकेज्ड सॉफ्टवेयर रहते हैं, प्री पैकेज्ड सॉफ्टवेयर रहते हैं, यानी आपके पास प्री पैकेज्ड हैं, वो ऑलरेडी बने बनाए सॉफ्टवेयर हैं जो आपको मिल रहे हैं, चेंज नहीं होंगे उसमें कुछ भी, वो बने बनाए सॉफ्टवेयर, जस्ट आपको क्या करना है, परचेज करने हैं, उसमें कोई कस्टमाइज नहीं है, कुछ कस्टमाइजेशन नहीं है। इसे हम क्या बोलेंगे, सेल ऑफ गुड्स, इसे हम बोलेंगे सेल ऑफ गुड्स। ठीक है, बट अगर कस्टमाइजेशन वहां पे है, आप अपने अकॉर्डिंग अपना सॉफ्टवेयर डिजाइन करवा रहे हैं, यू आर डिजाइनिंग योर सॉफ्टवेयर एज पर योर रिक्वायरमेंट, आपने अपने सॉफ्टवेयर की डिजाइनिंग अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से करवाई, उसमें कस्टमाइजेशन करवाया, तो यहाँ पे इस केस में इसको हम क्या बोलेंगे, सप्लाई ऑफ सर्विसेज, इसे हम बोलेंगे सप्लाई ऑफ सर्विसेज। बट अगर वो प्री पैकेज्ड है तो इसे हम क्या बोलेंगे, सप्लाई ऑफ गुड्स। समझ में आ गया? अब देखो यहां समझ लो, डेवलपमेंट, डिजाइन, प्रोग्रामिंग, एडप्टेशन, अपग्रेडेशन, एनहेंसमेंट, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आईटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, सिर्फ हमने क्या किया, डेवलपमेंट किया, डिजाइन भी किया, प्रोग्रामिंग किया, कस्टमाइजेशन, सबसे बड़ी चीज यहाँ पे क्या है, कस्टमाइजेशन हुआ, एडप्टेशन हुआ, अपग्रेडेशन हुआ आईटी सॉफ्टवेयर का, उसे हम बोलेंगे सप्लाई ऑफ सर्विसेज। क्योंकि यहाँ पे प्रोग्रामिंग हो रही है आपके अकॉर्डिंग, डेवलपमेंट हो रहा है, एडप्टेशन हो रहा है, अपग्रेडेशन हो रहा है, कस्टमाइजेशन हो रही है, सब कुछ एज पर द नीड ऑफ क्लाइंट आप करके दे रहे होते, इसे हम क्या मानेंगे, सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानेंगे। ठीक है, अब सुविधा सॉल्यूशन है, वो प्रोवाइड कर रही है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, किसके लिए, बिजनेस फर्म के लिए, बिजनेस फर्म के लिए स्पेशली डेवलप हो रहा है, तो इसे हम क्या मानेंगे, सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानेंगे। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, आपने ऑब्लिगेशन लिया, आपने कुछ ना कुछ कंसिडरेशन लिया, किस लिए, रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, किसी भी एक्ट को ना करने के लिए आपने पैसे लिए, ना करने के लिए आपने कंसिडरेशन लिया, उसको भी हम क्या बोलेंगे, उसको भी हम बोलेंगे सप्लाई ऑफ सर्विस। जैसे कि कोई भी एक केबल ऑपरेटर है, उसने एग्रीमेंट किया अदर केबल ऑपरेटर से कि आप मेरे एरिया के अंदर केबल सर्विसेज नहीं दोगे, आप मेरे एरिया के अंदर कोई भी केबल कनेक्शंस नहीं दोगे स्पेसिफाइड एरिया के अंदर। ठीक है, तो आपने उसको क्या किया, एक तरीके से नॉन कम्पीट फीस पे कर दी, इसे हम क्या बोलेंगे, सप्लाई ऑफ सर्विसेज, इसे हम क्या बोलेंगे, सप्लाई ऑफ सर्विसेज। अगर आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया, आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट किया और वो डिपॉजिट आपका फॉरफिट कर लिया गया, क्योंकि आपने अपने टूर पैकेजेस को कैंसिल कर दिया था, क्योंकि आपने अपने टूर पैकेजेस को कैंसिल कर दिया था, तो ये भी हमारे पास क्या है एक तरीके से सब, क्योंकि वो चीज़ हमारे पास किस लिए ये कैंसिल हुआ, क्योंकि आपने अपना जो टूर पैकेज था वो कैंसिल किया और इसकी वजह से आपकी जो मनी है वो फॉरफिट होगी। ठीक है, तो ये आपके पास क्या माना जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बाकायदा लिखा हुआ है कि आप ये चीज़ नहीं करेंगे, अदरवाइज आपका जो पैसा है वो क्या हो जाएगा, वो फोरफिट हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज एनी गुड्स, आपने कोई भी राइट अपना जो यूज करने का है गुड्स का वो ट्रांसफर कर दिया। जैसे पीछे मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था चार दोस्तों का, कि चार दोस्त थे और एक एसी था, तीन दोस्त थे और एक एसी था। ठीक है, 40,000 का एसी आया, एक नया फ्रेंड आया, उसका भी आपने इसमें 10,000 का ये हिस्सा डाल लिया, तो चारों के हिस्से में 10-10,000 चले गए। बट यहाँ पे इस एग्जाम्पल को मैं थोड़ा सा घुमा रही हूँ, तीन फ्रेंड्स थे, उनके 40,000 का जो है उन्होंने कंट्रीब्यूशन करके एक एसी लगवाया। अब एक फ्रेंड यहाँ से जा रहा है, एक फ्रेंड यहाँ से जा रहा है और एक नया पर्सन यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो इस पर्सन ने बोला कि इस एसी का हिस्सा जो मेरा बनता था वो मुझे दे दो। अब ये बोले भैया एसी के अंदर तेरा हिस्सा कैसे काउंट करे, तो इसने क्या बोला कि एक काम करो, ये जो पर्सन आया बी, इस ए पर्सन ने बी को बोला एक काम करो इस एसी के अंदर मेरे जितने पैसे लगे वो पैसे तुम मुझे दे दो और मेरे जाने के बाद इसका अधिकार जो राइट है राइट में आपको ट्रांसफर कर दूंगा, इसका राइट में आपको ट्रांसफर कर दूंगा। तो इसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसफर ऑफ एनी राइट टू यूज एनी गुड्स। ठीक है, ए ने क्या बोला, ए ने बोला एक काम करो भैया तुम इस रूम में नए आए हो और मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुम इस रूम में नए आए हो और मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तो तुम एक काम करो इस एसी के अंदर जितना मेरा हिस्सा था वो हिस्सा तुम मुझे दे दो और मेरे बदले अब इस एसी को तुम इनके साथ यूज कर लेना। क्लियर। इसी तरीके से हम हायर परचेज का एग्जाम्पल भी इसमें ले सकते हैं, हम इसमें हायर परचेज का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो किसी भी गुड्स के अंदर अगर आपने राइट ट्रांसफर कर दिए किसी को यूज करने के लिए, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विसेज, वो क्या हो जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विसेज। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करेंगे वर्क कॉन्ट्रैक्ट्स की। अगर वर्क कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है तो वर्क कॉन्ट्रैक्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट फॉर बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन, फैब्रिकेशन, कंप्लीशन, इरेक्शन, इंस्टॉलेशन, फिटिंग आउट, इंप्रूवमेंट, मॉडिफिकेशन, रिपेयर, मेंटेनेंस, रिनोवेशन, अल्टरेशन एंड कमीशनिंग ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी का आपने कंस्ट्रक्शन किया, फैब्रिकेशन किया, कंप्लीशन, इरेक्शन, इंस्टॉलेशन, फिटिंग आउट, इंप्रूवमेंट, मॉडिफिकेशन, रिपेयर, मेंटेनेंस, रिनोवेशन, अल्टरेशन, कमीशनिंग, कुछ भी किया। होना किसका चाहिए, मूवेबल प्रॉपर्टी का। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मूवेबल प्रॉपर्टी हियर, मूवेबल प्रॉपर्टी का जहां पे ट्रांसफर इन गुड्स इज इन्वॉल्व इन द एग्जीक्यूशन ऑफ सच कॉन्ट्रैक्ट। इन प्रॉपर्टी से, किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपने इन सभी एक्टिविटीज में से कुछ भी सर्विसेज दी हो उसे हम सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानेंगे। ठीक है, सप्लाई बाय वे ऑफ और एज अ पार्ट ऑफ एनी सर्विस और इन एनी अदर मैटर व्हाटसोएवर ऑफ गुड्स बीइंग फूड और एनी अदर आर्टिकल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। कोई भी फूड जो है, फूड से रिलेटेड या कोई अदर ह्यूमन कंजम्पशन हो रहा है, बट इसके अंदर याद रखिएगा अल्कोहलिक लिकर इंक्लूड नहीं होगा। फूड से रिलेटेड आप कोई भी फूड आर्टिकल जो है, फूड आर्टिकल प्रोवाइड करो, जैसे कि रेस्टोरेंट्स है, खाना वगैरह प्रोवाइड करते हैं, रेस्टोरेंट की हम यहाँ बात कर सकते हैं। तो रेस्टोरेंट वाली जो सर्विसेज हैं आप उसे क्या मानेंगे? सप्लाई ऑफ सर्विसेज। फूड एंड रेस्टोरेंट वाली सर्विसेज को क्या मानेंगे? सप्लाई ऑफ सर्विसेज। बट आपको ध्यान क्या रखना है, अल्कोहलिक लिकर यहाँ इंक्लूड नहीं होगा। अदर देन अल्कोहलिक लिकर उसे आपको यहाँ पे इंक्लूड नहीं करना, क्योंकि अल्कोहलिक लिकर को ऑलरेडी इससे बाहर रखा गया है। अल्कोहलिक लिकर को हम लोग जीएसटी में इंक्लूड नहीं करते हैं, वो जीएसटी का पार्ट नहीं है, नॉन जीएसटी सप्लाई में जाएगा अल्कोहलिक लिकर। तो इसके अलावा जितने भी आपके पास फूड से रिलेटेड जो है चीज़ें हो गई, रेस्टोरेंट वगैरह हो गए, उसको हम सप्लाई ऑफ सर्विसेज का पार्ट मानेंगे। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया? शेड्यूल 2 मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया। नेक्स्ट हम कल के टॉपिक में क्या देखेंगे? कुछ एक इश्यूज हैं जो कि सीबीआईसी ने क्लैरिफाई किए हैं। कुछ एक इश्यूज हैं जो कि किसने क्लैरिफाई की हैं? सीबीआईसी ने। ठीक है, तो सीबीआईसी के जो इश्यूज हैं वो हम कल की वीडियो में देखेंगे। कल आपके पास टाइमली मॉर्निंग में वीडियो आ जाएगी। आज थोड़ा लेट होगी और बीच में 2 दिन से मैं डाल नहीं पाई थी, इसके लिए सो सॉरी बेटा। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही थी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और कल आपको मॉर्निंग में सुबह 9 बजे वीडियो मिल जाएगी। डोंट वरी। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।